मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय का गुजारा नहीं हो पा रहा है। ऐशोराम की जिंदगी जीने वाली ऐश्वर्या राय का गुजारा केवल 23,000 प्रति महीने कराने में काफ़ी परेशानियां हो रही है। ऐश्वर्या राय ने गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए पटना हाई कोर्ट में फरियाद लगाई है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार राय ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए खटखटाया है। इसे लेकर कोर्ट ने जवाब देने के लिए तेज प्रताप को नोटिस भी जारी किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने की। अगली सुनवाई 23 जून को होगी। बता दें कि ऐश्वर्य को 23,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का कोर्ट ने आदेश दिया था। इसके बाद वो इस रकम को बढ़ाना चाहती हैं। तेज प्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह ने बताया कि तेज प्रताप की तरफ से कोर्ट में वो उपस्थित हुए और उन्होंने नोटिस को स्वीकार किया। आगे 23 जून को उनकी ओर से कोर्ट में जवाब दायर किया जाएगा। सिंह ने बताया, घरेलू हिंसा को लेकर ऐश्वर्या राय के विरुद्ध पारित आदेश और भरण पोषण से जुड़े मामले में राशि को बढ़ाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। उन्हें 23,000 रुपए प्रति माह देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन वो राशि बढ़ाने के लिए कोर्ट गई है। ये भी अजीब संयोग है कि जिस तारीख को दोनों की शादी हुई थी उसी तारीख को गुजारा भत्ता बढ़ाने की अर्जी दी गई। दोनों की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। ऐश्वर्य ने 12 मई 2022 को गुजारा भत्ता बढ़ाने की अर्जी दी। बता दें कि रावड़ी आवास से रोती बिलखती उनकी बहू अचानक बाहर निकल आई। उनके साथ आए सारे सामान भी बाहर कर दिए गए। वहीं इस बीच तेज प्रताप यादव ने पटना के फैमिली कोर्ट में तलाक के आवेदन भी लगा दिए। दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए थे। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।